खरगोन शहर के वार्ड 18 के पार्षद ने पुराने पुल स्थित चौपाटी के समीप संचालित हो रही देशी शराब हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को पार्षद ने जनसुनवाई पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। पार्षद रचना रघुवंशी एवं विष्णु डंडी ने बताया कि पुराने पुल जो टौड़ी क्षेत्र को औरंगपुरा से जोड़ता है, इस पुल के समीप देशी शराब दुकान पिछले कुछ वर्षों से संचालित हो रही है। इसका लंबे समय से विरोध भी हो रहा है, लेकिन दरकिनार किया जा रहा है। जबकि इस दुकान के समीप ही नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर चौपाटी का निर्माण किया है। वहीं दो स्कूलें भी संचालित हो रही है। यह क्षेत्र रहवासी है। शराब दुकान होने से क्षेत्रवासी खासकर महिलाएं चौपाटी पर टहलने नहीं जा पाती। ये चौपाटी शराबियों के लिए आहते के रूप में इस्तेमाल हो रही है। पार्षद ने मांग की है कि रहवासी क्षेत्र से दुकानें हटाई जाकर अन्यंत्र स्थापित करें, अन्यथा आंदोलन को बाध्य होंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। यहाँ पर हम शिकायत करने आए थे वार्ड 18 रचना नीरज रघुवंशी, में पार्षद हूँ। पुराने पुल के पास में जो देशी शराब दुकान है उसे हटाकर वो दूसरी जगह की जाए। यहाँ पर औरतें आती हैं, यहाँ पर बच्चों की स्कूल भी है। इस शराब दुकान से दूसरों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। आने वाली नई पीढ़ी बिगड़ रही है इस दुकान को चालू रखते हैं तो। यहाँ पर चौपाटी है, यहाँ पर महिलाएं घूमने भी आती हैं, स्कूल वगैरह भी है। यहाँ पास में दो स्कूल भी है। मतलब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये दुकान को हटाकर दूसरी जगह पर लगाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रचना नीरज रघुवंशी, वार्ड क्रमांक 18 पार्षद। वार्ड क्रमांक 18 पुराने पुल के पास जो चौपाटी बनी हुई है और चौपाटी से लगी हुई शराब की दुकान है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो चौपाटी है उस पर शाम को महिलाएं घूमने आती हैं, वहाँ पर पानी पतासे के ठेले वगैरह लगना चाहिए, आइसक्रीम की दुकान लगना चाहिए। परंतु वहाँ होता क्या कि शाम हुई क्या सामाजिक तत्व दारू ले लेकर बैठ जाते हैं और शराब पीने लग जाते हैं। और उसी पड़ोस में शराब दुकान से दीवार से लगी हुई एक बच्चों की स्कूल संचालित होती है प्राइवेट, और उससे आगे अपने पार्थिंगपुरा में शासकीय स्कूल भी है, जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट की स्कूल है वो। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल है वहाँ पर शराब दुकान नहीं होगी, पर आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर शराब दुकान भी है और वहाँ पर चौपाटी भी है। तो हम चाहते हैं, उसी से बस्ती भी लगी हुई है पूरी, हम चाहते हैं कि ये शराब दुकान वहाँ से हटना चाहिए ताकि जो चौपाटी है उसका महिला और बच्चे उपयोग करने लग जाएं और बच्चे जो स्कूल लग रही है वो संचालित सही तरीके से होने लगे। विष्णु रघुवंशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।